हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा, भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस की। सोरियासिस होता क्या है और उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके उत्पन्न होने के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून से मेरा मतलब है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है, जिसमें हमारी बॉडी के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन रही है, हमारी बॉडी हमारे खिलाफ लड़ रही है। सोरियासिस में हमें सिम्टम्स मिलते हैं, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें पैचेस बनने लगते हैं, पपड़ी बनने लगती है हमारी बॉडी पर। जो पपड़ी होती है वो डेंड्रफ जैसी होती है और वो छूटने लगती है। इसको एक डेंड्रफ भी बोलते हैं, पर ये डेंड्रफ से बिल्कुल हटकर होता है। सोरियासिस की जो मेन काम होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है उनका टर्नओवर, मल्टीप्लिकेशन होने का समय होता है 35 to 40 days। सोरियासिस के केसेस में वो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन टाइम 30 से 40 दिन से कम होकर 15 से 20 दिन हो जाती है या 10 से 15 दिन हो जाती है। तो हमारी सेल्स क्या हो रही है, जल्दी जल्दी बन रही है। सेल्स जल्दी जल्दी बन रही है तो वहाँ पर लेयर्स बनती जा रही है और वो जल्दी से पपड़ियाँ उतरती जा रही है। ये हुआ सोरियासिस में हमें सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सोरियासिस होता कैसे है। तो पहला फैक्टर आ जाता है, सोरियासिस एक जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक से मेरा मतलब है ये हमारे माता पिता से, हमारे पैटर्नल साइड से, हमारे मैटर्नल साइड से हमें जीन्स के द्वारा मिलती है। जैसे कोई गिफ्ट मिलता है शादी में, वैसे ही हमें एक डिजीज़ हमारे पूर्वज हमें दे रहे हैं। हमारे पूर्वज हमें बीमारी दे रहे हैं जीन्स के थ्रू, म्यूटेशन हो रहा है। तो इसमें हमें आवश्यकता है कि हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं, जड़ से ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा इसका फैक्टर है डाइट्री इनटेक। जैसे ही हम खाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्शन देती है। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी लीवर सेल्स डैमेज होने लगती है। लीवर सेल्स डैमेज होगी तो इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो एंटीबॉडीज़ बनेगी अगेंस्ट इम्यून सिस्टम के और ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रिएट होगी बॉडी में, जिससे सोरियासिस आपको हो सकता है, वीकनेस आपकी बॉडी में आ रही है। दूसरा कॉज है कि अगर हम अपनी डाइट में जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसेस ज़्यादा खा रहे हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, अगर हम फ्रूट्स नहीं ले रहे हैं तो हमें हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, हमारी बॉडी की लड़ने की क्षमता कम होती जाएगी। लड़ने की क्षमता कम होगी तो बॉडी में बीमारियां पैदा होगी, तो ऐसे एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा। उस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को हम सोरियासिस भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉज है उसका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जैसे ही हम जीते हैं, अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, अगर हम एक नियम से सो नहीं रहे हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्रिएट होने लगते हैं बॉडी में। अगर बॉडी मास इंडेक्स से मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा हो रहा है, हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो बॉडी की जो वीकनेस है वो प्रोड्यूस होने लगती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए और सोरियासिस से बचिए। अब हम बात करेंगे सोरियासिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड्स, एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे रिजल्ट जल्दी मिलता है, पर उनको ये नहीं मालूम होता है कि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, वो सप्रेस कर रहे हैं, वो पैलिएट कर रहे हैं हमारी बीमारी को और वो ऊपर की लेयर हटा रहे हैं, बाकी जो बीमारी है, जो रूट कॉज है बीमारी का, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो आगे चलकर दुगनी तेजी से बढ़ता है जो उसके इचिनेस होती है और जो रेडनेस आते हैं, जो बाकी सिम्टम्स आते हैं सोरियासिस के, वो ज़्यादा आते हैं। जब स्टेरॉइड्स देने के बाद थोड़ा दब जाती है स्किन डिजीज़ और बाद में जब इचिनेस कंट्रोल नहीं होती है, चाहे वो स्टेरॉइड्स खाए, फिर हैवी डोजेज उन्हें चाहिए होती है। इसीलिए आप ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्ट कीजिए जिसमें आपकी बीमारी का जड़ ही ख़त्म हो जाए, रूट कॉज ही ख़त्म हो जाए, ना कि सिर्फ आप एक पैलिएशन दे रहे हैं, सप्रेशन दे रहे हैं। सोरियासिस ठीक हो सकता है, सोरियासिस से हम लड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, अपनी डाइट्री ठीक कीजिए और अगर आपके पेरेंट्स को ये डिजीज़ थी तो उनका भी ट्रीटमेंट कराइए। और डाइट में आपको नमक बिल्कुल नहीं लेना है, ज़्यादा आप नमक लेंगे उतना ही आपको एग्रवेशन होगा। और एक बात और, ये विंटर में एग्रवेशन ज़रूर होता है, तो अपना ख्याल रखिए और सोरियासिस को ठीक कीजिए। नमस्ते।